आज आपके सामने है टोटल फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर द मॉडर्न मिलियनर आज आज हम इस एक क्विज के जरिए इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो शुरू करते हैं इस क्विज को फर्स्ट क्वेश्चन मेन कैरेक्टर ऑफ दी एल एन ट्रेवर ह्यूजी स्कीन सी लोरा मार्टिन या कर्नल ऑप्शन बी ह्यूजी स्कीन वट डिड ह्यूजी फादर लीव हिम एस एन इनहेरिटेंस विरासत के तौर पर ह्यूजी के फादर उसके लिए क्या छोड़कर गई ए कैबेलिस स्वर, बी हिस्ट्री ऑफ पेनिंसुला वोर सी मनी ए एंड बी द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी वाट इज द प्रोफेशन ऑफ यूजी फ्रेंड एल एंड ट्रेवर स्ट्रोक ब्रोकर टी मर्चेंट पेंटर या फ्रेम मेकर द करेक्ट आंसर इज पेंटर Huji was living on 200 pounds a year, which was given to him by his parent, Alan Trevor, an old aunt or retired colonel. The correct answer is an old aunt. According to Alan Trevor, the only people a painter should know are people who are beautiful and option A, stupid, B, talented, C, rich, or D, poor. इसका सही जवाब है टैलेंटेड ह्यू टोल्ड टोल्ड दैट टू पेंटर द बेकर्स फेस कुल्ड बी हिज ओन ए प्राइड बी सी सी फोर्च्यून डी स्टोरी फॉर्च्यून ह्यूज सजेस्ट दैट ही मे फर्दर हेल्प द बेकर विथ ए हिज़ ओल्ड क्लोथ बी फूड अ फ्यू कोइंस ऑफ गिनी डी अल्टर यूजी ने बैगर की मदद अपने कप, पुराने कपड़े देने, के, देने से सोचकर की मुताबिक एक आर्टिस्ट का दिल कहां होता है ए ड्रीम बी हर्ट सी है उंड इन ऑर्डर टू मेरी लोरा लोरे से शादी करने के लिए यू जी के पास कितने पाउंड होने चाहिए थे ए थाउजेंड बी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सी टेन थाउजेंड या टी वन लैख द करेक्ट आंसर इज टेन थाउजेंड विच डिड नॉट डिस्क्राइब बेरन हर्सबर्ग ए ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड

द करेक्ट आंसर इज एल एंड ट्रेवर वेन ह्यूजी शो अ विजिटर द नेक्स्ट मॉर्निंग ही थोड द बैरन हैड सेंट द विजिटर अगली सुबह जब ह्यूजी ने उस विजिटर को देखा तो उसने सोचा कि बैरन हंसबर्ग ने इस विजिटर को भेजा हुआ किस लिए फॉर एन एपोलोजी बी टू टेल द ट्रूथ अबाउट द बेगर्स आइडेंटिटी सी टू अरेस्ट हिम या डी इन्फॉर्म हिम दैट द बैरन वॉन्टेड टू सी हिम

सी टू हैंड सम्यूज स्कीन एंड लवली लोहरा मार्टिन या टी ओनली दैंड ऑफ ह्यूज स्कीन एंड हाईली कॉन्फिडेंसियल इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूजी एंड लोहरा मार्टिन एल एन ट्रेवर वास दादी में एल एन ट्रेवर क्या बने हुए थे ए सिक्योरिटी बी ग्रोम सी विटनेस या डी बेस्टमैन द करेक्ट आंसर इज बेस्ट मैन How much does a model get paid for sitting according to Trevor? A. 1. B. 2. C. 5. Or D. 10. The correct answer is 1. <coughs> Sorry, 2. <It's> <laughs> what is the relation between Laura Martin and the Colonel? A. मदर डोटर बी सिस्टर सी फादर डोटर या डी आंट नाइस द करेक्ट आंसर इज फादर डोटर वट डज ह्यूजी ऑफर टू ओल्ड बैगर इन द स्टूडियो स्टूडियो में ह्यूजी ने बेगर को क्या देने के लिए का ऑफर सोचा ओल्ड क्लोथ टेन थाउजेंड वन पाउंड या हंड्रेड पाउंड करेक्ट आंसर इज ओल्ड क्लोथ्स Who is Baron Husberg in reality? A. Beggar. B. An artist. C. A millionaire. Or D. A frame maker. The correct answer is a millionaire. How much does Trevor get paid for his picture of the beggar man? A. 1000 pound. B. 2000 pound. C. 5000 pound. D. 10,000 pound. The correct answer is 2000 pound. वज ट्रेवर थिंक ऑफ पुवर्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट ए रोमेंटिक बी पिक्चर्स क्यू सी ड्रेड फुल करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी वेयर डज ह्यूजी मीच ट्रेवर आफ्टर हिज एनकाउंटर विथ बेगर उस भिखारी से मुलाकात के बाद फिर एलन ट्रेवर और ह्यूजी की कहा मुलाकात हुई ए पैलेट क्लब बी होलैंड पार्क सी स्टॉक एक्सचेंज या डी टी सो इसका सही जवाब है पैलेट क्लब वट डस यू जी थिंक ऑफ बैनर हजब आफ्टर रियलाइजिंग हिज आइडेंटिटी ए रिच बेगर बी जनरस सी कनिंग या डी अनलकी डेविल द करेक्ट आंसर इज अनलकी डेविल हाउ डस यू जी फील आफ्टर गिविंग अ to टू द ओल्ड बूढ़े भिकारी को एक सुवेदन देने के बाद ह्यूजी स्किन को कैसा महसूस हुआ तो यहाँ पर आंसर आएगा रिग्रेट क्योंकि उसे जब पता चला कि ये इंसान कोई भिकारी ने एक मिलेनर है तो उसने उन्हें सोवेजन देकर गलती कर दी हाउ डस यू जी फील ही वुड dare डेयर सो face फेस इन द रो हुजी को ये महसूस क्यों हुआ कि वो अब गलियों में अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ए ही गेव मनी टू बेगर बी ही लोस्ट मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज सी ही ओपेंडे टू कर्नल डी ही किस्ड आप ट्रिटी मॉडल द करेक्ट आंसर इज ही गेव मनी टू अ बेगर क्योंकि वो बेगर कौन था मिलियनर था वाट इज द ट्रेवर रिएक्शन टू ह्यूज ही जनरस एक्ट टू वर्ड द बेगर ए Angry. B. Amused. C. Disappointed. D. Surprised. The correct answer is amused. How does Alan Trevor describe modal millionaire? A. Common. B. Rare. C. Extra well, extravagant. D. Hurtless. Correct answer is rare. In the story, what does the colonel think about? what about romance a it is a uh, essential for everyone it is privilege of rich it is unimportant yet it is profession of the unemployment b it is a privilege of rich how did huji try to make money on the stock exchange ए डीलिंग विथ कोमोडेट्स बी इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी स्टॉक, सी नेविगेटिंग बोल एंड स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमाने के लिए ह्यूची अस्किन को क्या पता होना चाहिए नेविगेटिंग बोल एंड बीयर्स वाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेवर्स पेंटिंग कमीशन बाय बैरन तो बैरन हसबैंड को पेंटिंग के दौरान क्या कमीशन मिलने वाला था अ बेगर बी अ नोबल मैन सी अंग डी अरियर मत यहाँ पर ऑप्शन है ए बेगर एक बेकर की पेंटिंग वट इज द मैंसन कॉन्फ्लिक्ट द स्टोरी सॉरी मेन कॉन्फ्लिक्ट द स्टोरी ए ह्यूजीज लैक ऑफ मनी सीन कर्नल्स अपोजिशन टू ह्यूची एंड लोरा इंगेजमेंट या सी ट्रेवर्स एंड कन्वेंशियल पेंटिंग डी बैरन हसबैंड मिस्टीरियस आइडेंटिटी The correct answer is B. How does Yugi describe the old beggar' appearance? A. Majestic and imposing. B. and with a piteous expression. C. Grateful and elegant. D. Dapper and well dressed. Correct answer is and with a piteous expression. विच ऑफ फ्यूजीज अटेम्प एट आ प्रफेसर इज नोट मैं इन द स्टोरी ए स्टोक एक्सचेंज बी टी मर्चेंट सी सेलिंग ड्राई सेली या डी रियल इस्टेट द करेक्ट आंसर इज जो उसने काम नहीं किया था वो था रियल इस्टेट का एस किन वॉन्टेड टू मैरी विथ लोरा मैराई रोस या सेलोम द करेक्ट आंसर इज लोरा What was the condition set by Colonel for getting married, marry with his daughter? A to earn ten thousand pounds, B to earn ten thousand dollar, C to get good job, D to be successful businessman. Correct answer is to earn ten thousand pound. वट इज द रिएक्शन ऑफ द ओल्ड बैगर वेन ह्यूजी गिवस हिम अरियन उस बूढ़े भिकारी का रिएक्शन क्या था जब ह्यूजी ने उसको एक सोवेरियन दिया ए एंग्री बी ग्रेटफुल सी कंफ्यूज या डी इनडिफरेंट करेक्ट आंसर इज ग्रेटफुल हाउ डज द स्टोरी एंड फॉर ह्यूजी एंड लोरा ए दे गेट मैरिड बी दे बिकम वेल्दी सी दे सेपरेट या डी दे ट्रेवल द वर्ल्ड करेक्ट आंसर इज द गेट दिच वन इज नोट यू जीज पर्सनैलिटी एम्बल करेक्ट आंसर इज वेल्दी नहीं था हाउ मच अलाउंस डिट ही गेट उसे कितना अलाउंस मतलब साल का कितना खर्च मिलता था ए टू थाउजेंड यूरोच ईयर बी टू थाउजेंड डॉलर इच ईयर सी टू थाउजेंड पाउंड ईच ईयर या डी टू थाउजेंड पाउंड ईच मंथ करेक्ट आंसर इज सी टू थाउजेंड पाउंड ईच ईयर वट वॉज यूजीज फर्स्ट जॉब ए स्टॉक एक्सचेंज बी बेकर सी टी मर्चेंट या टी आर्टिस्ट यूजी का पहला पहली जॉब इनमें से क्या थी मे बी स्टोक एक्सचेंज हाँ स्टोक एक्सचेंज विच वन इज नोट ट्रू अबाउट ह्यूज बेकिंग ए टू हार्ड बी टू स्वीट सी अंडर कुकड या डी डिलीशियस यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही पता चलता है कि इसका आंसर होगा डिलीशियस आफ्टर सम टाइम्स ट्रेवर वेंट आउट ऑफ द स्टूडियो बिकॉज कुछ समय बाद ट्रेवर स्टूडियो से चला गया था क्योंकि आ सरवेल्ट कोल्ड हिम बी द बेकर वॉज ट्राई टू स्टैंड स्टैंडिंग अप ऑल दे सी द फ्रेम मेकर वॉन्टेड टू स्पीक हिम डी ही वॉन्टेड टू स्मोक अ सिगरेट द करेक्ट आंसर इज द फ्रेम मेकर वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम द रिमार्क मिलियनर मॉडल आर रेयर इनफ बट मॉडल मिलियनियर्स आर रेयर स्टील वॉज मेड बाय ये रिमार्क किसने कहे ए ओस्कर वाइल्ड ने बी एल एन ट्रेवर ने सी लोरा मार्टन ने या डी ह्यूची ने द करेक्ट आंसर इज एल एन ट्रेवर वाट इज देंट्रल थीम ऑफ द मोर्डल मिलियनियर ए दर्सुएट ऑफ वेल्थ बी द इम्पोर्टेंस ऑफ अपेयरेंस सी द वैल्यू ऑफ काइंडनेस या डी द स्ट्रगल ऑफ आर्टिस्ट तो इस स्टोरी की मेन थीम है द वैल्यू ऑफ काइंड हु रोट द स्टोरी द मॉडर्न मिलेनर इस स्टोरी के राइटर है कौन किसने लिखी है ए एस्कर वर्ल्ड बी सेलोम गिल सी रस्किन या डी चार्स डिक करेक्ट आंसर इज ओस्कर वाइल